से आसान इंग्लिश आप ग्रामर से नहीं यूसेज से सीखिए। जैसे हिंदी में मैं जाएंगे कभी बोलेंगे नहीं, इसी तरह अगर आप इंग्लिश को यूसेज से सीखेंगे ग्रामर से नहीं, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आई वॉज वेंट, आप ये नहीं बोलेंगे कि आई एम गो। आपको समझ में आ जाएगा सुन के, यू विल अंडरस्टैंड दैट आई के साथ एम आएगा, आई एम के बाद जो भी वर्ब है उसके बाद इंग 99.9% आप तो डालेंगे ही। तो आप यूसेज से मेरे साथ आराम से कैजुअली कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली इंग्लिश सीखिए। नमस्कार, आज मैं आपको और एक सवाल पूछने वाला हूं। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आपको 1 किलो गाजर खरीद के लाना है, तो आप मुझे बोलिए कि आप कितना टाइम लेंगे और कितना पैसा खर्च करेंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको 3 घंटे देता हूं 1 किलो गाजर खरीदने के लिए और 1,000 रुपए देता हूं। ओके, चलिए आप जाइए और मुझे 3 घंटे में 1,000 रुपए के अंदर प्लीज 1 किलो गाजर लेके आइए। आप क्या कर रहे हैं अभी? आप अभी हंस रहे हैं, ये तो मास्टर पगला गए हैं। ये बोल रहे हैं 3 घंटे में 1,000 रुपए लेके 1 किलो गाजर खरीद के लाओ। अरे इनको पता नहीं है क्या 5 मिनट लगेगा मार्केट जाके लाने के लिए? इनको ये भी पता नहीं है कि गाजर का कितना क्या दाम में बिक रहा है? सिर्फ 60 रुपीज, विदिन 100 रुपीज वर्स्ट केस, करेक्ट? तो आप सोच रहे हैं कि 100 रुपए के अंदर खरीदने वाला गाजर, एक आप ये सोच रहे हैं कि 100 रुपए और 5 मिनट में होने वाला काम के लिए ये मुझे 1,000 रुपए और 3 घंटा दे रहे हैं। गलती मेरा है, करेक्ट? हाँ, 3 घंटे। ओके, आप ये सोच रहे हैं कि 5 मिनट और 100 रुपए में होने वाले की काम के लिए मास्टर मुझे 3 घंटे दे रहे हैं, तो आई एम रॉन्ग। देखिए, व्हेन इट कम्स टू टाइम, व्हेन इट कम्स टू मनी, आप बहुत ही स्मार्ट है। पैसे का विषय हो या आजकल टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल आपको सैलरी एक्सपर्टिस के लिए नहीं मिलता है, आजकल आपको सैलरी किस लिए मिलती है? आपके एक्सपर्टिस के लिए नहीं, मगर टाइम के लिए। आप टीचर हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी हो, पायलट हो, आपको सिर्फ टाइम के लिए पैसा दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि जब आप टाइम के बारे में और पैसों के बारे में इतना कॉन्फिडेंट है, इतना कैलकुलेटिव है, व्हाई आर यू नॉट सो कैलकुलेटिव जब इट कम्स टू योर वर्ड्स? जब आप बोलते हैं ना, टाइम और मनी की बात जब आएगी तो आप एक्सपर्ट है, आप वेस्ट नहीं करते हैं। मगर व्हेन इट कम्स टू वर्ड्स, जो काम 15 वर्ड्स में निपटा जा सकता है उसके लिए आप 1,000 वर्ड्स यूज करते हैं, जो काम 5 वर्ड्स में निपटा सकते हैं उसे आप 15, 20, 100, 200 वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जब आप अंग्रेजी में बात करते हैं तो आपको झिझक महसूस होता है। नमस्कार, आप ये वीडियोस देखिए और मुफ्त में हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीखिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।